हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग देखिए, आज मेरे पास है सैमसंग जे फोर प्लस का एक फ़ोन है। इसमें FRB लक लग चुका है। आप लोगों को पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, लेने के बाद नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। आप लोग देख रहे हैं चेकिंग फॉर अपडेट जस्ट ए सीन। आप लोग देखिए चेकिंग फॉर इनपु, इसमें पैटर्न लॉक आ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं और एक लॉक देखा देता हूँ जिसके लिए FRB लॉक आता है। तो आप लोग देखिए, इसमें गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन आ रहा है, इसलिए इसमें FRB लॉक लग चुकी है। तो आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है। आप लोग देखिए आ चुकी है। तो आपको आपको पहले यस वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद तो आपको बैक कर देना है। आपको और एक बार अप डाउन बटन दबा के रखना है। तो आप लोग देखिए, इसमें टॉप बैक ऑन हो चुकी है। तो आपको एल करना है। एल करने के बाद आपको टॉप बैक सेटिंग में जाना है। तो आप लोगों को सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ये ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो आपको फिर से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको देना है टेक्स्ट टू स्पीड सेटिंग पर, ओके कर देना है। आपको इसके साइड में सेटिंग वाला ऑप्शन को ओपन कर लेना है। आपको उसके बाद इसमें 3-4 टैप करना है। टैप करने के बाद आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है सैमसंग ब्राउज़र। तो आप लोग देखिए, मैं अभी इसमें सैमसंग ब्राउज़र टाइप करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले इसका टॉप बैक ऑफ कर लेती हूँ। आप लोग देखिए, इसका टॉप बैक ऑफ हो चुकी है। तो आपको आप लोग देखिए आ चुकी है सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। ये आपको पहले डाउनलोड कर लेनी है। मैं इस टाइम वीडियो को थोड़ी सी फास्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग देखने में तो समझ जाएंगे। तो ये अभी वीडियो, तो आप लोग देखिए, हमारा सैमसंग ब्राउज़र जो है वो बिल्कुल हो चुकी है। तो मैं इसको पहले इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो आप लोगों को क्या कर देना है, कॉन्फर्म में क्लिक कर देना है। आपको गूगल ओपन कर लेना है। आप लोग देखिए, इसमें आपको टाइप करना है FRB बाईपास। तो आप लोग देखिए, मैं इसमें टाइप कर दिया FRB बाईपास में क्लिक कर दिया। आप लोग पहला वाला साइट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ देर छोड़ देना है। इसमें अभी आ रहा है। तो आप लोग देखिए आ चुकी है। आप लोगों को दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एक है गूगल अकाउंट मैनेजर 8 और एक दूसरा है FRB बाईपास। तो आप लोग देखिए, ये वाला FRB बाईपास, तो मैं दोनों को डाउनलोड में दे चुकी हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल डाउनलोड हो चुकी हैं। मैं इसमें डाउनलोड में जाता हूँ। आप लोग देखिए, हो चुकी है। आपको पहले गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लेनी है। आप लोग देखिए, इसको डन कर देना है। आपको FRB को भी इंस्टॉल कर लेनी है। तो आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको ऊपर में 3 आइकन पर क्लिक करना है। आपको ब्राउज़र पे टैप करना है, ओके करना है। ओके कर देने के बाद आप लोग देखिए, इसमें आ जाएंगे। तो आपको इसमें कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देने होगी, कोई भी आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो इसको पहले आप लोग टाइप कर लीजिए। तो ये ईमेल एड्रेस मेरी है। तो आपको इसका पासवर्ड डाल देनी है। इस टाइम मैं हाइड करके रखा, क्योंकि ये ईमेल मेरे पर्सनल ईमेल, इसलिए मैं इसको हाइड करके रखा। तो मैं इसका पासवर्ड भी डाल दिया। डाल देने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। तो आप लोग देखिए,
सिगिन हो चुके होने के बाद आपको आपकी फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेनी है। तो आप लोग देखिए, मैं इसको रीस्टार्ट कर दे चुकी हूँ। तो थोड़ी टाइम इंतज़ार कर लेते हैं, यह अभी ऑन होने में थोड़ी सी टाइम लेगा। तो फ़ोन आप लोग देखिए बिल्कुल ऑन हो चुका है, इसमें आ गया स्टार्टिंग एंड्रॉयड। तो आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आपको सब अलाउ कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आ गया चेकिंग फॉर अपडेट। तो आप लोग देखिए ऐड हो चुकी है हमारा जो जीमेल, उसको बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। तो आप लोग देखिए गेटिंग अकाउंट इन्फो, आप लोग देखिए जस्ट ए सीन। तो आप लोगों को क्या करना है, डोंट रजिस्टर कर देना है। इसके बाद आपको ये आगे आपको देना है नो थैंक्स, स्किप कर देना है स्किप। तो आप लोगों को क्या करना है, नो थैंक्स पे क्लिक करना है। तो आपको एक्सेप्ट कर देना है। कर देने के बाद अपडेट आ चुकी है। आपको ये जो ऐप है इन सबको इनेबल कर देना है, नहीं तो ये सब अपने अपडेट हो जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इसको ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। ये आप लोग देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप स्किप, आप लोग देखिए फिनिश्ड। हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल FRB रिमूव हो चुका है। आप लोग देखिए फ्रेंड, आप लोग देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।